हम कर रहे हैं सॉफ्ट बॉडी। अगर आपको कहीं पे फुटप्रिंट दिखाने कि कोई कैरेक्टर चल रहा है और वहाँ पे निशान छोड़ रहा है, या कीचड़ में कोई बॉल गिरी और निशान छोड़ती हुई चली गई, तो एक प्लेन लो उसके लिए और उस प्लेन की कॉपी ले लो एक, एक नीचे फ्लोरिंग के लिए और एक ऊपर कीचड़ के लिए। और सेगमेंट ज़्यादा होने चाहिए अगर आपको फुटप्रिंट्स दिखाने हैं तो। उसके बाद लो एक बॉल, अगर आपको कोई बॉल गिरानी है ऊपर से नीचे तो उसके लिए यहाँ पे आना एफएक्स, कर दो क्रिएट एक्टिव रिजिड बॉडी, क्रिएट एक्टिव रिजिड बॉडी। इससे क्या हो गई, एक्टिव हो गया, अभी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिरेगा। तो इसको ग्रेविटी भी हम दे देते हैं, इसके लिए ग्रेविटी अलग से आएगी यहाँ पे, ग्रेविटी। अब देखो बॉल गिर रही है अपने आप। अब मैं चाहता हूं बॉल को ये चीज रोक ले, तो उसके लिए आता है जैसे एक्टिव था ना वैसे ही आता है पैसिव। समझ आया? हाँ नीचे वाले ने, अभी ऊपर वाले को तो हम कीचड़ बनाएंगे ना, मड बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये बॉल आगे चली जाए, मैं चाहता हूँ बॉल आगे चली जाए, तो उसके लिए रिजिड बॉडी में आता है इंपल्स, इंपल्स एक्स वाई जेड, जेड कर दो थोड़ा सा। इंपल्स पोजीशन बॉल का करना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा इनिशियल स्पिन। ताकि वो घूमती भी आए, देखो घूमती भी आएगी, बाउंस करके बहुत ऊपर चलेगी, बाउंस हमें हटाना है। बहुत ज्यादा इंपल्स हो रहे हैं। मास थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, देख रहा बॉल आगे बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं ये कीचड़ के निशान छोड़ती भी जाए, तो अब इसे हमें बनाना है मड। मड बनाने के लिए हमारे पास आता है एन पार्टिकल में सॉफ्ट बॉडी, इसे कर दो सॉफ्ट बॉडी। अब देखो कि सॉफ्ट बॉडी में हमें पार्टिकल्स मिल गए, अब हमें क्या करना है, इसको बना देना है पैसिव, एन क्लॉथ में पैसिव, ताकि वो उससे टकराए। अब देखो टकरा रही है और अपनी जगह बनाती हुई जा रही है, पर देखो पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कितनी दूर दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें बना देना है जिसे बोलते हैं ड्रैग, पार्टिकल सेलेक्ट करो और यहां से डाल दो ड्रैग, ताकि पार्टिकल ज्यादा दूर तक ड्रैग ना हो।
ड्रैग डाल दो, और ड्रैग में आता है उसकी पावर, पावर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसे बढ़ा दो। पार्टिकल्स को एक लेयर में डाल के हाइट कर सकते हो। प्रेस थ्री, देखो मड में अपने निशान छोड़ती हुई जा रही है वो, जहां जहां जंप कर रही है वो अपने निशान छोड़ती हुई जा रही है। तो ऐसे हम बनाते हैं मड। अब इसके ऊपर कोई भी आप मटका मटेरियल डाल दो, कुछ भी डाल दो, मैं एक रफली एक ब्लेन डाल देता हूं। और उसकी स्पेकुलर से आप थोड़ा सा खेल सकते हो। लो, बन गया मट। तो क्या करो, आज ये मट बनाओ, और मट के अलावा आप